आप क्या कहना? जब से यहाँ गवर्नी राज लगा था पॉपुलर गवर्नमेंट के बाद, सत्यपाल मलिक जी हों चाहे हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हों, चाहे अभी जैन हमारे मनोज सिन्हा जी आए हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी ने, जब से प्रधानमंत्री ने 6 साल से उनका दूसरा ये टेन्योर शुरू हुआ है, करप्शन के ऊपर पूरा उनका अंकुश है। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में, पूरे देश के अंदर आप आज देखोगे, आज काम करने का स्टाइल ही बदला हुआ है। आज कोई भी ऑफिसर जो ईमानदार ऑफिसर है, बढ़िया ऑफिसर है, काम करने वाला, उनको मौका मिल रहा है। और आने वाले समय में जैसे आपका कहना है, करप्शन के ऊपर पूरा अंकुश लगेगा। आज हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, और आज हम डिफेंस में इतने अगर 40-40 हज़ार करोड़ की कोई डील कर रहे हैं, तो वो पैसा यहाँ से बचाया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो पैसा गलत लोगों के हाथों में चला जाता। आप देखोगे कि जब एलजी साहब आए हैं, ये वाले इन्होंने ओथ लेने से पहले ही कहा कि मेरा पूरा फोकस, मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, ये अंदर की बातें हैं, कहनी नहीं चाहिए, कि जम्मू और श्रीनगर शहर के ऊपर आप देखते जाओ आने वाले समय में, आप जम्मू और श्रीनगर दोनों शहर आपको बदलते हुए नज़र आएंगे। जब मैंने और तब से सुनते आ रहे हैं कि तवी के लिए, सूर्य पुत्री के लिए कोई ना कोई DPR बन रही है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कई लोगों ने, कई हमारे दोस्तों ने, इंजीनियरों ने हमें बताया बना के अपने अपने लेवल पे, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सका। आज पहली बार UED डिपार्टमेंट, जो हमारे SC साहब हैं यहाँ पे राकेश जी, हमारे चीफ इंजीनियर हैं जो अश्विनी जी, और हमारी कमिश्नर अवनी जी, इन लोगों ने मिलकर इसके ऊपर बहुत सा काम किया है, और पहली बार DPR इसकी तैयार हुई है, और लगभग जैसे इन्होंने बताया 45 करोड़ की है जी, पहले मुझे सुनने में आता 80 करोड़ की बनेगी, ये बनेगी, बड़ी मेहनत करने के बाद इन लोगों ने ये DPR बनाई है। और हम सब की यही सोच है, हमारे कई मित्र, हमारे कई NGOs लोग जो सूर्य पुत्री के लिए इतना काम कर रहे हैं, डेन आरती वहाँ आरती भी करते हैं, और भी कई किस्म के हर की पौड़ी बनी हुई है, तो पहली बार ये DPR बनी है। इसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का भी बड़ा योगदान है, हमारे धीरज गुप्ता जी का, उनका भी बड़ा सहयोग है, उन्होंने भी इनको काफ़ी फोकस किया इस DPR के लिए। और दूसरी जो ये जब ये तैयार हो जाएगी, इसका सारा पानी बिल्कुल जो तभी में नहीं जाएगा, सारा पानी सीवरेज प्लांट में जाएगा, सम टैंक बनेंगे, उससे पानी लिफ्ट होके जो उसमें जो भी लिफाफा गार्बेज जो निकल जाएगा, पानी उसका सारा जो हमारी ट्रंक लाइन है जो मेन सीवरेज की, उसमें जाएगा, फिर सीवरेज प्लांट में जाके पानी ट्रीट होके तभी में जाएगा। ये तभी के राइट साइड जो दाईं तरफ के ये सारे नाले हैं, इसी तरह आने वाले समय में हम बाईं तरफ भी, सामने भी जो नाले होंगे और भी नगरोटा के ऊपर भी होंगे, इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि तभी को हम जो एक जम्मू के लिए क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू का एक जो लेके जा रहे हैं, सूर्य पुत्री भी उसी में आती है। मुझे आशा है कि जिस तरह आज हमारे पहले LG साहब और जो अभी LG साहब आए, पूरा फोकस है जम्मू और श्रीनगर के शहरों पर, हर चीज़ का, स्मार्ट सिटी का हो चाहे और कोई प्रोजेक्ट्स का हो। इसके साथ जो छोटे ही एक DPR ने बनाई है वो 6-7 करोड़ रुपये की, इमीडिएट रिलीफ देने के लिए बायोमेडिकल, तो उसको उसके लिए तो जल्द काम शुरू हो जाएगा। मैं चाहूँगा अगर हमें कॉरपोरेशन की तरफ से उसका हमारे पास फंड्स होगा, तो हम उसमें से दे के उसको इमीडिएट स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी गार्बेज, कोई भी लिफाफा, कोई भी चीज़ तभी में ना जाए, और उसके बाद पानी जाए फिलहाल। तो आने वाले समय में जब ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा ग्राउंड में आ जाएगा, जब बारिश का पानी होगा वही जाएगा तभी में, ऑटोमेटिक सेंसर लगेंगे, वो गेट खुल जाएंगे बारिश वाले दिन, तो जैसे बारिश ख़त्म हुई तो गेट बंद हो जाएंगे, फिर वही वो सारे सिस्टम के साथ वो काम चलेगा। मैं खासकर चीफ इंजीनियर जो हैं अश्विनी नंद जी और राकेश गुप्ता जी और चिरंगू जी, इनकी टीम को बड़ी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ डे एंड नाइट, वो छोटे से 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इसकी DPR तैयार की है। अब हम आगे पूरा प्रयास करेंगे अपने कमिश्नर मैम के साथ मिलकर कि इसकी फंडिंग UED से कैसे लेनी है, LG साहब को मिलना है, कहाँ करना है, तो ताकि ये जो प्रोजेक्ट है जो एक बातों में था, हवा में था, सब कहते थे, पूरा जम्मू कहता था भाई ये हमारी तभी सूर्य पुत्री साफ होनी चाहिए सुथरी, तो आने वाले समय में ये आएगा। और आप मीडिया मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हर वक्त जो भी कोई कॉरपोरेशन का काम होता है उसमें पूरा सहयोग करते हो। आशा है कि आने वाले समय में काम उसका तभी में नहीं हो रहा, अभी नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर द्वारा काम हो रहा है। पहले वाले जो उसके कंट्रेक्टर थे उनको ब्लैक लिस्ट करके बाई कोर्ट उनको पेनल्टी इम्पोज की गई है। अब द्वारा उसकी IIT दिल्ली के पास काम था, अब IIT रुड़की के पास उसका काम चला गया। काफ़ी साल से मैं भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर गाय बगाय निगाह रखता हूँ, और आने वाले समय में बहुत जल्द उसकी एडिशनल DPR बनेंगी,
और बनने के बाद जिस दिन वो काम शुरू होगा विद इन 6 मंथ ये इस आर्टिफिशियल लेक या विराज कह लो इसका काम कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ भी जो तवी रिवर फ्रंट है उसके ऊपर भी पूरा फोकस हो रहा है। जैसे भी ये विराज का काम होगा उसका काम मैं कहता हूँ एक एक प्रोजेक्ट जम्मू का, गंडोला भी आपके सामने हमने चाहे 1 साल लगे रहे उसके ऊपर एक पोर्शन उसका स्टार्ट कर दिया है, बाकी सारे प्रोजेक्ट चाहे मैं ये बस स्टैंड पार्किंग की बात करूँ, 4 लेन अखनूर की बात करूँ या रिंग रोड की बात करूँ, रिंग रोड का हमने इनॉग्रेशन करना था पहले दिनों में लेट हो गए, एक एक प्रोजेक्ट जम्मू का आज हमारे LG साहब जब पहले वाले थे जब अभी आए हैं उनका पूरा इसके ऊपर फोकस है। आप देखते जाओ आने वाले समय में आप हर महीने 2 महीने के बाद कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको जम्मू का, चाहे वो जम्मू जू है, चाहे वो हमारी मुबारक मंडी है, स्मार्ट सिटी में बहुत से प्रोजेक्ट हमारे आए हैं। ठीक है, लोगों का एक बड़ी इसके ऊपर ले के ऊपर है मेन, हम पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि कॉरपोरेशन का उसमें कोई नहीं है योगदान, लेकिन हम पूरी निगाह रखते हैं बीइंग ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स। आने वाले समय में आपको लेक, तवी रिवर फ्रंट और भी जो शहर के प्रोजेक्ट हैं आपको सब हम ग्राउंड पे लाएंगे। दीदी साहब ने आपको बताया कि राइट फ्रॉम जो हमारा ओल्ड सिटी है धोंथली से लेके इधर तक भगवती नगर तक सारे जितने ऑप्शन हैं वो सारे कवर किए गए हैं। और मेयर साहब मैं आपको एक और चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि जम्मू के लिए हमने एक प्रोजेक्ट और बनाया है बायो रेमेडिएशन का। उससे क्या है कि जो जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए तवी के लिए जो बाधा जाएगा पानी जाएगा उसमें फॉल स्मेल हम ख़त्म कर देंगे और जो है उस उनकी जो BOD COD है वो बहुत उस लेवल में आ जाएगी कि जिससे इस प्रोजेक्ट और बायो रेमेडिएशन के प्रोडक्ट से हमारी सूर्यपुत्री नदी जिसको हम मिनी इधर लोग जाते हैं जैसे पहले गंगा में जाते हैं, अखनूर में जाते हैं, हर की पौड़ी देवीकापुर में, हर की पौड़ी में आम आदमी सारे अपने फेस्टिवल जो है वो हम इतनी दूर जाए बिना हम इंजॉय कर सकते हैं ये, और वो प्योरली जो है बादिंग के लिए फिट पानी रहेगा। ये दो चीज़ें हमने रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट की सही से और मेयर साहब की जो है तवी रिवर का प्रोजेक्ट है उसके बारे में ये DPR अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 43.49 करोड़ की DPR बनी है। राइट बैंक पे जो नाले हैं 13 मेजर्स नाला है 13 और टोटल जो तवी को सूर्यपुत्री जिसको कहते हैं जो पोल्यूट हो रही है उसके लिए ये DPR बनी है। इसके अंदर सर सामने सर।